प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक को संबोधित करते हुए यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत दावेदारी पेश करने के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को आईना दिखाते हुए इसके प्रारूप में बदलाव की मांग की। अपने 22 मिनट की स्पीच की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा कि 1945 की दुनिया आज से एकदम अलग है, साधन संसाधन सब अलग थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ वो भी उस समय के हिसाब से ही थी। आज हम बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अलग हैं। पीएम ने कहा, कहने को तो तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ पर अनेकों युद्ध हुए, गृह युद्ध हुए, आतंकी हमलों ने दुनिया को थर्रा कर रख दिया, खून की नदियां बहती रहीं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? पीएम मोदी ने यह भी सवाल किया कि आखिर यूएन में भारत को अपनी भूमिका के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन संसाधन, समस्याएं समाधान, सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन संसाधन, समस्याएं समाधान, सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ